हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड है, और क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो फिलहाल हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए, यानी कि जो 51 और 52 क्वेश्चन नंबर हैं, इनमें आपको विलोम शब्द बताना है, यानी अपोजिट बताना है। तो पहला है अभिसरण, यानी अभिसरण का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन आपके पास सायास, अपसरण, प्रसारण या प्रतिरक्षण। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका बी ऑप्शन वो एकदम सही हो जाएगा। अभिसरण का जो अपोजिट होता है, यानी विलोम शब्द होता है, वो होता है अपसरण। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है सुसुप्त, यानी कि सोया हुआ, इसका अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन आपके पास श्रेष्ठ, जागृत, मृत या कृतघ्न। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन क्या होगा इसका। बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुसुप्त मतलब होता है सोया हुआ, और जागृत मतलब होता है जागा हुआ। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो इस वजह से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया हुआ है कि 53 क्वेश्चन नंबर और 54 क्वेश्चन नंबर में आपको ये बताना है कि सही वाक्य कौन सा है, यानी कि चार आपके सामने वाक्य दिए हुए हैं सेंटेंस, जिनमें से सिर्फ एक ही सही है, वो आपको बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत मतलब चला गया, पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पास्ट यूज हुआ है, और यहाँ फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी कि ये वाक्य सही नहीं है। फिर कह रहा है आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। फिर तीसरा है आपका आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, या पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? राइट यानी सेंटेंस कौन सा है आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ कि आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, ये सही है, या आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, और आपका डी ऑप्शन आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए, ये भी आपका एकदम गलत है। तो यहाँ दो तो आपके गलत ही हो गए हैं। अब दो बाकी हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। तो यहाँ बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 55 क्वेश्चन नंबर और 56 क्वेश्चन नंबर, इनमें से क्या करना है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है, यानी वाक्यांश आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उनके लिए एक शब्द क्या होंगे ये आपको बताना है। 55 में दिया हुआ है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास विशंभर, दिक्पाल, पैगंबर या दिगंबर। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं इन ऐसे पर्सन को, या ऐसे महापुरुष को, ऐसे भगवान को हम क्या कहेंगे? दिगंबर कहेंगे। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है युद्ध की इच्छा रखने वाला, यानी जो पर्सन, जो आदमी युद्ध की इच्छा रखता है, उसे क्या कहा जाता है? मुमुच्छु, बहुश्रुत, युयुत्सु या मौतिक। तो राइट ऑप्शन बताइए कमेंट करके, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम युयुत्सु कहते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 57 क्वेश्चन नंबर में पूछ रहा है कि आमलक का तद्भव शब्द क्या है? तद्भव क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो हम आम बोलचाल में यूज करते हैं। तत्सम क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो मतलब सही होते हैं और वो संस्कृत से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ आमलक एक तत्सम शब्द है और उसका तद्भव आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास आदर्शिका, आम्र, आपाक या आंवला। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आंवला का आंवला का तत्सम होता है आमलक, और आम्र क्या है? आम्र एक तद्भव शब्द है, आम्र तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत से मिलता जुलता है ना। तो आम्र एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आम। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन के बिहाफ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंवला को हम आमलक कहते हैं संस्कृत के भाषा में, या आंवला का जो तत्सम होता है वो आमलक होता है। तो यहाँ का डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि तिनका का तत्सम शब्द क्या है? यहाँ आपसे तत्सम पूछा गया, ऊपर वाले में तद्भव पूछा गया था और इसमें तत्सम पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास तृण, तिक्त, ताम्र या त्वरित। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि तिनका का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है तृण।
तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यानी कि विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं, लेकिन जो विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे हम, क्रिया, प्रविशेषण, विशेष या सर्वनाम। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसे आप स्टार कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है रिपीटेड। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रविशेषण, यानी जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। जैसे कि वह बहुत, जैसे हम बोल सकते हैं कि मिठाई बहुत ज़्यादा मीठी है, तो मीठी क्या है, विशेषता बता रहा है कि मिठाई क्या है, मीठी है, ये विशेषण हो गया। लेकिन बहुत, ये क्या कह रहा है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि जो मीठी है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ जो बहुत ज़्यादा बहुत वर्ड है वो प्रविशेषण बन जाएगा, यानी जो विशेषण की विशेषता बताएं शब्द वो कहलाते हैं प्रविशेषण। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। विशेषण कई सारे होते हैं, उनके कई प्रकार होते हैं, उन्हीं प्रकारों के बारे में आपसे पूछा गया है कि परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध हो रहा है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक या परिणामवाचक या गुणवाचक। तो बताइए परिश्रमी कैसा शब्द है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो हम जानते हैं कि परिश्रमी होना क्या है, एक गुण है, यहाँ गुणवाचक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि परिश्रमी शब्द में गुणवाचक विशेषण का बोध हो रहा है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आपसे पर्यावाची पूछा गया है, कह रहा है कि मंदिर का पर्यावाची कौन सा है, देवग्रह, परमधाम, निर्वाण या परमपद। तो देवग्रह से ये पता ही चल रहा है, जहाँ ऐसा स्थान, ऐसा ग्रह जहाँ देवताओं का वास हो, और देवताओं का वास कहाँ होता है, मंदिर में होता है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि मंदिर का पर्यावाची क्या है, देवग्रह है। तो इस तरह आप अपना दिमाग लगा के भी, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके भी ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन से भी आपके आंसर फाइंड आउट हो सकते हैं। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि तृष्णा का पर्यावाची क्या है, तृष्णा मतलब क्या होता है, लालच। तृष्णा का पर्यावाची क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास मकरंद, सहचर, रशिका या लिप्सा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है, लिप्सा, लालच, ये सभी क्या है, तृष्णा के पर्यावाची हैं। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। जब भी समास पूछे या आपसे संधि पूछे, तो सबसे पहले संधि पूछे तो संधि विच्छेद कर लीजिए, समास पूछे तो समास विग्रह कर लीजिए, इससे आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा समास है। अगर यहाँ राजपुत्र का समास विग्रह करते हैं तो यहाँ हो जाएगा राजा का पुत्र, और काकी के किस में होता है, तत्पुरुष समास में होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, यानी राजपुत्र में कौन सा समास है आपका, यहाँ आपका जो राजपुत्र है उसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपसे संधि विच्छेद पूछ रहा है कि सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन आपके पास सत प्लस चित प्लस आनंद, सच्चिद प्लस आनंद या सच प्लस दानंद या सत प्लस चिद प्लस आनंद। तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, सत प्लस चिद प्लस आनंद, ये क्या है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद, और ये कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जुगुप्सा जो रस है उसका स्थायी भाव कौन सा है, अद्भुत, भयानक, विभत्स या रौद्र। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जुगुप्सा जो रस है उसका स्थायी भाव होता है विभत्स। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है, यानी यह मुहावरा दिया हुआ है, मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना या सम्मान बढ़ाना। तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सूरज को दीपक दिखाना का मतलब होता है किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, बी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, यानी कि आपको भाषा दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। ऑप्शन आपके पास उड़िया, बांग्ला, असमिया या कन्नड़। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, कन्नड़ क्या है, कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 68 और 69 जो क्वेश्चन है उनमें आपको ये बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यानी चार विकल्प दिए हुई हैं, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प में आपको टिक करना है।
तो 68 में है भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक या भूगौलिक। तो हम एकदम आप बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट्स कमेंट करके बताइए। वैसे अगर आप जब इसको पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तभी पता चल रहा है कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा, फिर भी कमेंट करके बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। भौगोलिक, हम हमेशा भौगोलिक लिखते हैं, तो इसमें से ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर प्रफुल्लित के बारे में यहाँ दिया हुआ है, पहले है प्रफुल्लित जो कि गलत है, प्रफुल्लित ये भी गलत है, प्रफुल्लित या प्रफुल्लत, तो प्रफुल्लत नहीं होता, प्रफुल्लित होता है, तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके भी आप राइट ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें डैश भी जगाता है, यानी चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पास बैठेगा, यानी कौन सा करेक्ट सेंटेंस यहाँ आएगा, सेंटेंस नहीं बोल सकते, वर्ड बोल सकते हैं, कौन सा वर्ड यहाँ आएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम या आत्मबल, तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बीड़ा उठाना से तात्पर्य है, बीड़ा उठाना क्या है, एक मुहावरा है, लोकोक्ति है, लोग यूज करते हैं बीड़ा उठा लिया किसी काम का, तो बीड़ा उठाने का क्या मतलब होता है। ऑप्शन आपके पास दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना या कठोर परिश्रम करना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि बीड़ा उठाना का मतलब होता है दृढ़ संकल्प करना, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया, तो यहाँ जो गढ़ जीत जाना दिया हुआ है सेंटेंस, गढ़ जीत लिया, उसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन आपके पास युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना या कठिन कार्य को पूरा करना, तो यहाँ डी ऑप्शन सही है कि गढ़ जीत लेना मतलब कठिन कार्य को पूरा करना। पीसीएस में चयन हो गया, ये कोई आम बात नहीं है, ये क्या है, एक कठिन कार्य था जिसे मनोज ने पूरा कर लिया और उसी इस वजह से उसे लोग कह रहे हैं कि उसने गढ़ जीत लिया, तो यहाँ डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अंगा इया डा न मा कौन से व्यंजन है, ऑप्शन आपके पास स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन, तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अंगा इया डा न मा में कौन, ये सभी कौन से व्यंजन है, ये सभी अनुनासिक व्यंजन है, क्यों, क्योंकि इसमें नाक से जो आपकी हवा बाहर निकल रही है, तो इस वजह से ये अनुनासिक व्यंजन में आ जाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अवयव है, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या आदर बोधक, चार ऑप्शन है आपके पास, एकदम करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कमेंट करके कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वह आया और मैं चला गया, इसमें कौन सा अवयव है, समुच्चय बोधक अवयव है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, यानी जो काल को बता रहा है, टाइम को बता रहा है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास बारी बारी, भीतर, आज या यथासंभव, तो आप इन सभी ऑप्शन में देख ही रहे हैं कि आज क्या है, ये टाइम को बता रहा है, काल को बता रहा है, तो इस वजह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, यानी चार वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से जो गलत है, जो अशुद्ध है, जिसमें अशुद्धियां हैं, उस वाक्य को आपको बताना है। पहला है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी, तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऊ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, मेरे ऊपर कृपा करें नहीं, मुझ पर कृपा करें, ये राइट सेंटेंस होगा, तो इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये सही नहीं है और इसमें अशुद्ध वाक्य ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, मिश्र वाक्य मतलब दो वाक्यों को मिलकर वाक्य बनाया गया है। ऑप्शन आपके पास प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, क्या ये मिश्र वाक्य है, जी नहीं, ये मिश्र वाक्य नहीं है। फिर कह रहे हैं सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, ये मिश्र वाक्य है, ये भी मिश्र वाक्य नहीं है, यानी दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। जो परिश्रमी विद्यार्थी है वह अवश्य सफल होगा, और डी ऑप्शन दिया हुआ है कि राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, तो बताइए इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य हो जाएगा, तो यहाँ जो आपका मिश्र वाक्य है वो है सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है
वह अवश्य सफल होगा। तो ये क्या है, एक मिश्र वाक्य है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग मतलब प्रत्यय मतलब होता है जो पीछे लगाए जाते हैं, और उपसर्ग मतलब होता है जो आगे लगाए जाते हैं। रहित यहाँ पूछ रहा है, सहित नहीं पूछ रहा। रहित मतलब ऐसे शब्द आपको बताना है, इन चारों में से ऐसा शब्द आपको बताना है जिनमें उपसर्ग नहीं लगा है। अगर हम संयोग की बात करें तो यहाँ सम लगा हुआ है, सम प्लस योग संयोग, तो यहाँ सम उपसर्ग का यूज हुआ है। वी में भी विदेश अत्यधिक सुरेश, विदेश मतलब वी प्लस देश, यहाँ वी प्रत्यय का सॉरी उपसर्ग का यूज हुआ है। अत्यधिक में अति प्लस अधिक, यहाँ अति उपसर्ग का यूज हुआ है, लेकिन सुरेश में कोई भी उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है। इस वजह से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि गर्व शून्य शब्द में समास कौन सा है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी समास आ जाए तो सबसे पहले आपको समास विग्रह कर लेना है, इससे आपको आसानी होगी पता करने में। तो गर्व शून्य मतलब गर्व से शून्य, से आपका किस में आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण तत्पुरुष आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, गर्व शून्य शब्द में करण तत्पुरुष है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर आपसे मुहावरा पूछ रहा है कि शब्द बाघ दिखाना का क्या अर्थ होता है। प्रभाव स्थापित करना, लालच देकर बहकाना, विवेक खो देना, या होश उड़ जाना। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्द बाघ दिखाना का मतलब होता है लालच देकर बहकाना, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। अधि प्लस कांस, अनु अनु प्लस दित, प्राणा प्लस याम, या त्रिपुर प्लस अरि। तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, त्रिपुर प्लस अरि मतलब हो जाएगा त्रिपुरारी। यहाँ इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो यह अधिक प्लस अंश होना चाहिए सही संधि विच्छेद, और यहाँ अनु प्लस उदित होना चाहिए सही संधि विच्छेद, और यहाँ प्राण प्लस आयाम होना चाहिए। तो मैंने आपको सही संधि विच्छेद भी बता दिए सभी के, इस क्वेश्चन के बिहाव पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि पंचानन में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीह, द्विगु, या कर्मधारय। तो बताइए कमेंट करके इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है हमको, समास विग्रह कर लेना है। पंचानन मतलब पंच प्लस आनन, यानी जिसके पांच मुख हो। तो पांच मुख वाले कौन होते हैं कमेंट करके बताइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दूसरे की तरफ इशारा कर रहा है। पंच प्लस आनन यानी पांच है मुख जिनके, ऐसे भगवान का नाम बताइए जिनके पांच मुख होते हैं। या इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 3-13 करना का क्या अर्थ होता है। पृथकता की बातें करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना, या पूरी तरह फट जाना। तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3-13 करना का मतलब होता है पृथकता की बातें करना। तो यहाँ ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है। ये क्या है, एक कहावत है जिसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास, शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, या निचले स्तर की बातें करना। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत मतलब होता है असंगत बातें करना। फिर कह रहा है कि देव अर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा। देव प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, देव प्लस अर्पण, या देव्य प्लस पण। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये का य हो जाता है। यहाँ देखिए य दिखा रहा है, तो ये क्या है, आपको ये बताना है कि ये कौन सी संधि है। देवी अर्पण का जो संधि सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा देवी प्लस अर्पण। और आपको राइट ऑप्शन ये बताना है कमेंट करके। राइट ऑप्शन तो आपने बता दिया, अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि इसमें संधि विच्छेद, इस संधि विच्छेद में कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है। फिर आपसे प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। कीय, या ईय, या ईय। अगर हम पुस्तकीय को 20 से तोड़ते हैं, यानी इसका अगर विच्छेद करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, पुस्तक प्लस ईय, यानी कि यहाँ ईय प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है। तो सी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है, यानी स्वतंत्रता संज्ञा का कौन सा भेद है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट करके क्या हो जाएगा इसका, भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता क्या है, एक भाव है, कोई जाति नहीं है, कोई गुण नहीं है। स्वतंत्रता एक भाव होता है, इमोशन होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका,
इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। फिर कह रहा है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या उपमान। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। यानी संज्ञा विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं, और प्रविशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं हम प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या समस्त धातु। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु। फिर कह रहा है कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रस खान की, नरहरिदास की, आलम की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो गाइज यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका रस खान की काव्य कृति है। तो यहाँ आपसे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? यानी अली शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, उन कई सारे अर्थों में यहाँ कुछ अर्थ दिए गए हैं और उसी में से आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होता है। तो वाक्यों पे जरूर ध्यान दें, जहाँ निगेटिव हो तो समझ लीजिए कि अच्छे से आपको रीड करना है। ऑप्शन आपके पास सखी, भ्रमर, रूपसी या बिच्छू, इन चारों में से कौन सा नहीं है अली का अर्थ? तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपसी अली का अर्थ नहीं होता। अली मतलब सखी भी होता है, अली मतलब भ्रमर भी होता है और अली मतलब बिच्छू भी होता है, लेकिन रूपसी नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपका सी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य, दंत, मूर्धन्य या दंतोष्ठ। तो जब आप इसको उच्चारण करेंगे त थ द ध स, तो आप देखेंगे कि आपकी जो जीभ है वो दांत को स्पर्श कर रही है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? दंत हो जाएंगे। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? दंत हो जाएंगे। यानी त थ द ध स, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन आपके पास हाथी, दही, नदी, पानी। तो हम जानते हैं कि नदी क्या है, ये पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त नहीं होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। कभी आपने सुना किसे कोई कह रहा हो कि नदी बह रहा है, नदी में बाढ़ आ गया है, तो लोग कहते हैं नदी में बाढ़ आई है, नदी बह रही है। तो नदी का प्रयोग किसमें करते हैं? स्त्री लिंग में करते हैं, लेकिन पुल्लिंग में हम कभी प्रयुक्त नहीं करते, तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। फिर कह रहा है कि सप्त प्लस ऋषि इससे बनी संधि है, यानी सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि होता है, इनमें से कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? सप्त प्लस ऋषि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुण संधि। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि में गुण संधि का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ डी ऑप्शन सही है, सप्तर्षि आपका गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है? लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को या आचार्य महोदय को। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाता है। बाढ़ जिले में ही आएगी, ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश पता चला बह गया, अब बिहार में बाढ़ आती है तो किसी एक पर्टिकुलर जिले में आती है, ये थोड़ी ना होता है कि पता चला पूरा बिहार ही बह गया। तो किसको? बाढ़ पीड़ितों से रिलेटेड जो पत्र लिखा जाता है वो जिलाधिकारी को लिखा जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या यात्रा वृत्त है। तो राइट ऑप्शन बताइए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? निबंध है। ठेले पर हिमालय निबंध है, और किसका निबंध है? ये धर्मवीर भारती का निबंध है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? यानी अष्टछाप में 8 कवि थे, उनमें से 4 का नाम, 3 का नाम दिया हुआ है और 1 नहीं दिया हुआ है, यानी 1 उनसे रिलेटेड नहीं है, उन्हीं को आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपके पास सूरदास, कुंभनदास, नंददास, रैदास। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिन लोगों को पता है अष्टछाप के बारे में वही इसको बता पाएंगे, जिनको नहीं याद उन्हें नहीं पता चल पाएगा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैदास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं है, इनके अलावा सूरदास, नंददास, कुंभनदास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। फिर कह रहा है कि किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर मारा,
मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, या चाकू से फल काटो। तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अपादान से होता है ना, अपादान का कारक क्या होता है, से। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, आंगन, मुश्किल, 25 या ईर्ष्या। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगी, क्योंकि आंगन में क्या ये लगता है ना, चंद्रबिंद लगता है, तो आंगन क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध लिखा हुआ है, सही नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इस वीडियो में हमने हिंदी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस, और रिपीट होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी डेली क्लासेस चलेंगी और आपको पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के एस्पिरेंट हैं और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।